रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह का बड़ा महत्व है। भगवान शनि देव को सूर्य पुत्र और नवग्रह में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान शनि मोक्ष देने वाली एकमात्र ग्रह हैं, जिन्हें न्यायप्रिय और न्यायाधीश की उपाधि भी दी गई है। भगवान शनि देव हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं, लेकिन जो लोग अनैतिक और गलत कार्य करते हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान शनिदेव का क्रोध और दंड भोगना पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में भगवान शनि के प्रभाव का बड़ा महत्व है। शनि गोचर, शनि की महादशा और शनि साढ़े साती के फल स्वरूप मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होती हैं, लेकिन बता दें कि यह परिवर्तन सुखद और कष्टकारी दोनों हो सकते हैं। इसका फल मनुष्य के कर्म और राशि व कुंडली में शनि की चाल और स्थिति पर निर्भर करता है। जिस इंसान पर शनिदेव की कृपा और मेहरबानी हो जाती है, उसकी तो मानो किस्मत चमक जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शनिदेव का प्रकोप जितना ज़्यादा पड़ता है, उससे ज़्यादा वो लोगों को खुशियाँ देती हैं। बता दें कि आप सभी भगवान शनि को सिर्फ प्रकोप बरसाने वाले ही समझते होंगे, लेकिन दोस्तों इनकी महिमा को कोई नहीं समझ पाया है। शनि भगवान किसी के शत्रु नहीं बल्कि मित्र हैं। भगवान शनि एक न्यायप्रिय ग्रह हैं, जो हर प्राणी के साथ न्याय करता है। आपको बता दें कि शनि देव जब अपनी चाल बदलते हैं, तो वो राशियों के अनुसार किसी पर भारी पड़ते हैं तो किसी पर मेहरबान होते हैं। वैसे तो सभी 12 राशियों पर शनि का प्रभाव रहता ही है, लेकिन दोस्तों ज्योतिष के अनुसार आज रात से कलयुग के महाराज शनिदेव उदय हो रहे हैं, जिसका कि प्रभाव कुछ विशेष राशियों पर देखने को मिलेगा। अब इन राशि वालों की किस्मत अचानक से चमक उठेगी और इन्हें अपने जीवन में अब सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर ये राशियाँ कौन सी हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें कि सबसे पहली राशि है मेष राशि। जी हाँ, सबसे पहले मेष राशि की अगर हम बात करें, तो इस राशि के लोगों के लिए शनि देव आज से 21 साल तक मेहरबान रहने वाली हैं। आपके घर में अब धन की वर्षा होगी। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके दिन अब सही हो जाएंगे। आय कमाने के नए रास्ते आप लोगों के लिए खुलेंगे। आपको इस दौरान संतान से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। बता दें कि इस दौरान नौकरी पेशे वाले लोगों को अपने काम में सफलता हासिल होगी। व्यापारियों के आय के नए स्रोत मिलेंगे। किसी नई तकनीक को अपनाने से आपके व्यापार में इस दौरान वृद्धि होगी, साथ ही साथ उत्पादन कार्य भी आपका बढ़ सकता है। ऑफिस में भी आपको सबका साथ मिलेगा। दोस्तों अगली राशि है तुला राशि। बताना चाहेंगे कि इस दौरान सेहत संबंधी परेशानियों का आपका अंत होगा। कोई काम इच्छा अनुसार पूरा होने पर जीवन साथी आपसे खुश होंगे। इस दौरान आप खुद को तरोताज़ा और साहसी महसूस करेंगे। आपको किसी नए कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा फायदा होने के आसार बन रही हैं। आपके पुराने कर्जों और उलझनों का निपटारा हो सकता है। आप अपने परिवार को इस दौरान समय देंगे। काम के सिलसिले में आपके नतीजों में गुणवत्ता आएगी और आपका काम लोगों की नज़र में आएगा। संतान की प्रगति से सगे संबंधी इस दौरान खुश नजर आएंगे। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। दोस्तों बता दें कि अगली जो राशि है वह है वृषभ राशि। जी हाँ, बता दें कि इस दौरान आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर में तरक्की के आपको अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान आप क्रोध करने से बचें। अवसरों में इस दौरान सुख शांति बनी रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से आय के स्रोत आपके विकसित हो सकते हैं।
कार्य क्षेत्र में आपको अपने सीनियर्स का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य क्षेत्र का आपका विस्तार होगा। समाज में आपके गुणों की प्रशंसा होगी। जो लोग संगीत या गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें किसी बड़ी जगह पर परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है। इस दौरान जीवन साथी के साथ आप डिनर करने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। दोस्तों बता दें कि अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। जी हाँ, बता दें कि इस राशि वालों पर भी शनिदेव अपनी विशेष कृपा बनाए रखने वाले हैं। भगवान शनि की कृपा आपके परिवार में सुख और शांति का माहौल बनाकर रखेगी। आपके घर के कलेश दूर होंगे। अगर आपका कोई धन कहीं फंस गया हो तो वो अब आपको वापस मिल सकता है। प्यार के मामले में भी आप काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे। छात्रों को परीक्षा में इस दौरान सफलता मिलेगी। बस थोड़ी सी मेहनत करने की आपको ज़रूरत है और आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं दोस्तों अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि कन्या राशि के लोगों के लिए अगले 21 साल तक काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि शनिदेव इन लोगों पर काफ़ी मेहरबान रहेंगे। इन जातकों के लोगों को काफ़ी धन लाभ होने वाला है और आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। आपकी सभी इच्छाएँ अब भगवान शनिदेव पूर्ण करेंगे। दोस्तों अगली राशि है धनु राशि। बताना चाहेंगे कि अब अगर हम धनु राशि वालों की बात करें तो इस राशि के लोगों के लिए ये काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे। इन लोगों को धन का लाभ होगा और अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। आप इस दौरान नए आभूषण, वाहन और संपत्ति भी खरीद सकते हैं। आपके अब अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इस राशि के लोगों का भाग्य अब भगवान शनिदेव बदलने वाले हैं। घर में हो रही तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा और परिवार में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में इस दौरान सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ होगा। दोस्तों बता दें कि अगली जो राशि है वह है मकर राशि। जी हाँ, बता दें कि मकर राशि के लोगों के लिए अगले 21 साल तक काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि शनिदेव इन लोगों पर काफ़ी मेहरबान रहेंगे। आज रात से इनके जीवन में एक अलग परिवर्तन देखने को मिलेगा। शनिदेव इन राशि के लोगों से खुश होकर इनके सभी दुख और दर्द को दूर कर देंगे। आपको इस दौरान कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। शनिदेव आपके जीवन के सभी कष्टों का अब अंत करेंगे। जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि आपके लेकर आएगी। आर्थिक मोर्चे पर आपका दिन बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहेगा। आपकी नई योजनाएं आकर्षक होंगी और अच्छी आमदनी का जरिया भी साबित होंगी। दोस्तों अंतिम राशि है कुंभ राशि। बताना चाहेंगे कि कुंभ राशि के लोगों के लिए शनिदेव आज से 21 साल तक मेहरबान रहेंगे। आपके घर में धन की वर्षा होगी। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनके आय कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। इस राशि के लोगों को नौकरी की चिंता समाप्त होने वाली है। नौकरी मिलने के पूरे पूरे आपके योग बन रहे हैं। इस राशि के लोगों को दोस्तों से व्यापार संबंधी अच्छी सलाह प्राप्त होगी। इससे आप लोगों को बहुत ही लाभ होगा। घर में हो रही तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा। परिवार में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपको इस दौरान प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता मिलने की उम्मीद है। इसीलिए जमकर आप मेहनत करें, फल की चिंता ना करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनि देव अवश्य लिख दें। आपकी राशि कौन सी है यह भी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।